अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर तो आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीएससी की जो जूनियर क्लर्क की सीट्स आई थी उनमें प्रोफिशेंसी टेस्ट हुआ था जूनियर क्लर्क का, जो 2019 में 2019 में सीट्स आई थी। टाइपिंग के बाद प्रोफिशेंसी का टेस्ट होता है इनका। टाइपिंग पे रिटर्न पे कुछ पेपर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने टाइपिंग पे डिस्कस किया। मेरी वीडियो टाइपिंग पे भी बनी हुई है, अगर टाइपिंग से रिलेटेड किसी बंदे को इशू है वो भी काइंडली कांटेक्ट करे। यहाँ मतलब कांटेक्ट से मुराद यही है कि यहाँ पे कमेंट करे, उसको मैं ट्राई करूँगा कि उसकी हेल्प आउट कर सकूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए प्रोफिशेंसी टेस्ट कैसा होता है। अभी लाहौर हाई कोर्ट का शायद कुछ लोगों का मुझे रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने कहा था कि प्रोफिशेंसी पे वीडियो बनाएं ताकि उन लोगों को हेल्प हो। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप लोगों ने MS ऑफिस में हर चीज़ का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये जितने भी मतलब होम में ये क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, उसके बाद इसमें आगे व्यू आ जाता है, रिव्यू, या ये इंसर्ट है। इंसर्ट में जितने फंक्शन, कवर पेज है, ब्लैंक पेज, टेबल, पिक्चर, आर्ट, शेप, ये जितने भी आइकन है ना नज़र आ रहे हैं आपको, वो ड्रॉप कैप हो गया, वर्ड आर्ट, हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेबल हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आप लोगों ने ये इंडेंट स्पेसिंग वगैरह, मेलिंग रेफरेंस, रिव्यू, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक बार गो थ्रू कर लेना। मतलब सबसे पहले आप कोई एक पैराग्राफ लिख लें खुद से, उसके बाद एक एक चीज़ आइए इसको चेंज करें, टेक्स्ट को, ये फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करें। मतलब हर एक ऑप्शन को आप बार बार यूज़ करें ताकि आप लोगों को फंक्शनैलिटी का पता हो, डिफरेंट जो है वो टास्क परफॉर्म करें, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आप लोगों को प्रोफिशेंसी का आइडिया हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोफिशेंसी का टेस्ट कैसा आया था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक एक ऑप्शन अपने जो है ना नज़र से गुजार लेंगे, तो उसमें आप लोगों को नेक्स्ट कोई भी चीज़ एग्जामिनर चेंज करके दे दे, आनी तो MS वर्ड से ही है, तो डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या था। उसने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था MS वर्ड के बारे में। उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था और पैराग्राफ के बाद 1 to 7 डिफरेंट टास्क हैं, वो कहते हैं इनको परफॉर्म करना है। तो ये पैराग्राफ मैंने MS वर्ड में पहले से टाइप किया हुआ है और उसके बाद उसका हम लोग पहला टास्क देखते हैं। सबसे पहले कहता है रिप्लेस एवरी अक्रेंस ऑफ द वर्ड कंप्यूटर विद कंप्यूटर यूजिंग रिप्लेस ऑल बटन। तो हम लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए, Ctrl+H शॉर्टकट की है रिप्लेस के लिए, और यहाँ से भी ऑप्शन कोई होगा रिप्लेस के लिए, सॉरी यहाँ से नहीं इधर से, वो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये कंप्यूटर में वर्ड टाइप किया पहले, उसको रिप्लेस करना है कंप्यूटर कैपिटल में लिख के, उसको डबल कोट में आना चाहिए, तो रिप्लेस ऑल में करता हूँ। ये देखें कहता है वर्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च डॉक्यूमेंट हैज़ मेड 5 रिप्लेसमेंट। तो ये देखें 5 जगह पे ये तब्दील हो चुका है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ये डबल कोट कंप्यूटर कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जगहों पर। तो दोस्तों पहला टास्क हमारा कम्प्लीट हुआ, मतलब पहली लाइन जो थी इसने दी हुई, ये 1 मार्क्स का था। 1 मार्क्स जो था, 1 नंबर आपको पैराग्राफ ये टाइप करने का मिलना है, 1 नंबर आपको ये नंबरिंग दी हुई है मार्क्स, ये 1 मार्क इसका है। उसके बाद वो कहता है कॉपी द पैसेज यू टाइप प्रीवियसली एंड पेस्ट इट इन 3 कॉलम विद अ लाइन बिटवीन। वो कहता है इसको आप लोगों ने जो है वो कॉपी द पैसेज यू टाइप प्रीवियसली एंड पेस्ट इट इन, कॉपी करके उसको 3 लाइंस में रिप्लेस करना है, दरमियान में इनके लाइन आनी चाहिए। उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले पैराग्राफ को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद पेज लेआउट में जाएंगे, ये कॉलम्स है, मोर कॉलम्स, थ्री पे का है थ्री, ये लाइन बिटवीन, ये यहाँ पे थ्री पे क्लिक करें फिर लाइन बिटवीन पे ये चेक लग गया है, ओके कर दें तो आपके पास चेक करें कि दरमियान में लाइन आ गई है। 1 2 3 थ्री कॉलम में दरमियान में उसने कहा लाइन होनी चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। थ्री कॉलम विद अ लाइन बिटवीन, ये हम लोगों के पास थ्री कॉलम 1 2 3, थ्री कॉलम एंड लाइन बिटवीन कॉलम्स। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट change the layout of the page to landscape and change it all margin to 2 cm, 2 cm में हम लोगों ने मार्जिन चेंज करना है। पहले लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन पहले इसकी चेंज करनी है, ये सबसे पहले हम लोग इसकी पेज ओरिएंटेशन, ये देखें लेआउट में पेज लेआउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में जाके आप लोगों ने लैंडस्केप कर देना इसको। यहाँ पे ये देखें कंट्रोल ए सॉरी करना है इसको, आप लोगों ने कंट्रोल ए करके इसको जो है वो आप लोगों ने, पहले वो थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, कंट्रोल ए करके आप लोगों ने इसको जो है वो जो है इसको पेज ओरिएंटेशन चेंज करनी लैंडस्केप में, कंट्रोल ए, उससे सारा आपका ये हो जाएगा, इसका सिलेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास जो है MS वर्ड का इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है, ये जो है ना तंग करता है कभी कभी, तो मैंने काफ़ी ट्राई करने के बाद इसको थोड़ा सेटिंग की है, इसकी कुछ इश्यूज हैं इसमें, इसके सेटिंग में। खैर ये आप लोग देख सकते हैं, उसने कहा था ये इसको आप लोगों ने ऐसे करना। उसके बाद उसने कहा है कि मार्जिन जो है 2, ये मार्जिन आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने कस्टम मार्जिन में जाना, 2 हर जगह से 2 2, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, इधर से भी 2, यहाँ पे आप लोगों ने ओके कर देना इसको। ये देखें पहले इसको सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। ये आप लोगों को मैं बार बार ये चीज़ें मिस्टेक इसलिए जो है ना मैं दोहरा रहा हूँ कि आप लोग जब इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे ये चीज़ें परफॉर्म नहीं होंगी, ये आप लोगों के साथ इश्यूज आएंगे। मैंने इसको पहले इसलिए किया था कि आप लोगों को पता चल जाए बगैर सिलेक्ट के उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। खैर ये देखें आप लोग कि 2 यहाँ से 2 cm 2 cm 2 cm, हर जगह से 2 cm मैंने इसको जो है वो मार्जिन दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो कहता है, पहले हम लोगों ने इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको मार्जिन दिया। उसके बाद इंसर्ट अ पेज बॉर्डर, हम लोगों ने ये भी 1 नंबर का, ये 2 नंबर के थे, ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स और ये 1 मार्क्स। इंसर्ट अ पेज बॉर्डर, हम लोगों ने पेज बॉर्डर को इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग इंसर्ट और इसी में होना चाहिए इसको पेज बॉर्डर। ये देखें इंसर्ट में नहीं है, पेज लेआउट में, सॉरी पेज लेआउट में बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास बॉर्डर पहले नन है, आप इसको बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जो भी शेड यहाँ से आप लोग देना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये दे देता हूँ, तो ये ओके कर देता हूँ। ये देखें शेड आ गई, पेज बॉर्डर आ गया हमारे पास। आप वहाँ से कोई भी सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेज बॉर्डर दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये 1 नंबर का पेज बॉर्डर हो गया ही। उसके बाद ये नेक्स्ट टास्क देखते हैं क्या है। कहते हैं परफॉर्म ड्रॉप कैप ऑन एवरी कैरेक्टर दैट अ बिगन इन अ पैराग्राफ, वो कहता है पैराग्राफ के बिगन में जो भी है उसको ड्रॉप कैप हम लोगों ने अप्लाई करना है। 5 पे हम लोग ये जो 5 नंबर है उस पर है, और ये हम लोग पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज इंसर्ट में आ जाएं, इसके टेक्स्ट में ड्रॉप कैप आ गया, ये आप लोगों ने ड्रॉप कैप किया तो ये 3 लाइंस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका ये जो है, ये पैराग्राफ वैसे एक ही था पहले हम लोगों ने लिखा, तो इस वजह से हम लोगों ने इसी के ऊपर मैंने जस्ट, आप लोग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मसला नहीं, लेकिन ये एक बार इसको कर दिया है कि आप लोग को पता चल जाए कि ये यहाँ से ड्रॉप कैप, यहाँ से ये सिंपली आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पे है जी इंसर्ट अ टाइटल पेज इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोग टाइटल पेज जो है वो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ही टाइटल पेज बना लेते हैं सपोज, वो आप लोग कोई भी बना सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा, उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो 14 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मैं आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों ने इसको कैसे, क्योंकि ये टाइटल जो होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है इनसे, ये इसका साइज़ भी टाइटल का डिफरेंट होगा, 1 पॉइंट का फ़र्क हो जाएगा, 2 का फ़र्क हो जाएगा, डिफरेंस डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डिफरेंस रखते हैं। उसके बाद ये बोल्ड कर दिए, ये बोल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये भी इसमें फ़र्क है। ये पेज टाइटल कोई भी आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग सेंटर भी कर सकते हैं, ये यहाँ से सेंटर हो जाएगा जिधर आप करना चाहें, जैसे आप एडजस्टमेंट वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे उसने कहा हुआ है ये इंसर्ट टाइटल हो गया, उसके बाद हाइपरलिंक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी www.google.com। हम लोगों ने जो है वो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक यहाँ से भी हो सकता है, और वैसे इसकी कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, तो हम लोग www.google.com लिखेंगे और ये मेरे पास आ गया। ये आप लोग सारा टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें इसका कलर चेंज, ये जो है ना कलर भी चेंज हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। www लिखा रहा www.google.com। तो ये इसमें यही था जो है ना, 7 टास्क थे वो हम लोगों ने परफॉर्म कर लिए। तो आपकी जो है पैराग्राफ की कुछ शेप इस तरह की हो जाएगी, तो इसमें जो है वो 10 मार्क्स का टोटल होगा ये। और इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक्सेल पे, एमएस वर्ड पे भी डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आई वो काइंडली कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ये रिप्लेस का मैंने बोला था, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप Ctrl+H रिप्लेस के लिए, लेकिन ये आप लोग इसको, मेरा कहने का मकसद ये आप लोग बोल्ड, अंडरलाइन, स्ट्राइक, पावर, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सब है, ये सुपर है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार इसको, ये बुलेट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार नज़र, मतलब इनको एक एक करके परफॉर्म करें। जब आप एक एक करके चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, डेली प्रैक्टिस करें, और इससे ये होगा कि आप लोग जब सारी चीज़ें अपनी नज़र से गुजार देंगे तो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छे मार्क्स से आप लोग क्लियर कर दोगे। और जैसे ये है MS वर्ड है, इसी तरह MS एक्सेल, पावरपॉइंट, ये 3 चीज़ों पे 30 मार्क्स का 10-10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये इस तरह का आपका पेपर होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।